स्वागत है आपका न्यूज बायस्कोप में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। बदले हुए नियम में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। झारखंड में प्राथमिक और मध्य विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अब राज्य स्तर पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने मेरिट लिस्ट तैयार करने के प्रावधान में बदलाव किया है। बदले हुए नियम में कहा गया है कि अभ्यर्थी जिस विषय से शिक्षक पात्रता उत्तीर्ण होंगे उसी विषय में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। नियुक्ति में जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़ चुके हैं। शहनवाज, इस नए बदलाव का कितना फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा? बिल्कुल, शुरू से ही झारखंड में शिक्षक नियुक्ति है उसके नियमावली को लेकर के कई छात्रों द्वारा, छात्र प्रतिनिधियों द्वारा और छात्र नेताओं द्वारा सवाल उठाए जाते रहे हैं और अब कहीं ना कहीं सरकार इस खासकर शिक्षा विभाग अब इस बात को कहीं ना कहीं संजीदगी और गंभीरता से ली है कि अब उस अनुरूप नीति नियम बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं छात्रों के हित में हो। आपको याद है कि झारखंड में जिस तरह से स्थानीयता का विषय हो या फिर नियोजन का विषय हो उसकी नीति में अस्पष्टता होने के कारण भी बड़ा विरोध हुआ है और अभी तक वो विरोध प्रदर्शन किसी न किसी रूप में जारी रहता है। लेकिन इस बीच सरकार चूंकि नियुक्ति प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा रही है और लगातार कहीं ना कहीं बैकलॉग नियुक्तियां हैं उसे भी कहीं ना कहीं सामने ला रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि जिस कमिटमेंट के साथ वर्तमान में हेमंत सोरेन सरकार बनी है, यानी रोजगार को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को लेकर के, उस बात को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। यही वजह है सत्ताधारी दल की ओर से लगातार ये कहा जाता है कि इस साल बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली जाएगी। लेकिन बड़ा और अहम सवाल विपक्ष के द्वारा ये भी उठाया जाता है कि उस वैकेंसी को किस रूप में पूर्ण किया जाएगा, यानी किस रूप में उसे मूर्त रूप में दिया जाएगा, यानी उसके नीति नियम क्या होंगे। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जिस विभाग की नियुक्ति प्रक्रिया छोटी होती है उसके नियुक्ति नियमावली, जैसे शिक्षा विभाग के अगर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है तो उसमें अगर कोई त्रुटि है, उसमें अगर कोई गड़बड़ी है जिसकी डिमांड, जिसका संशोधन बड़े लंबे समय से मांग की जा रही है, तो पहले वो विभागीय स्तर पर उस नियमावली को सुधारने की प्रक्रिया को दुरुस्त किया जाता है। उसके बाद जो नियुक्ति प्रक्रिया है वो किस नियमावली के तहत किस आधार पर उसकी नियुक्ति होगी, यानी क्योंकि सरकार ये मानती रही है कि 1932 के आधार पर ही झारखंड में स्थानीयता को परिभाषित किया जाए और नियोजन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि वो अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में है, वो कानूनी दाव पे फंस चुकी है, लिहाजा वो बात अलग हो गई। लेकिन अब जो सवाल ये उठ रहा है जितनी भी बैकलॉग नियुक्तियां हैं उसको अब 2016 से पहले की नीति के आधार पर ही भरा जाना चाहिए, लिहाजा उसी के तहत तमाम, आपने देखा होगा कि जीएसएससी के द्वारा कई नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन वो भी त्रुटिपूर्ण हो तब उसमें कुछ बात बनती हुई नजर आती है। लिहाजा शिक्षा विभाग, क्योंकि अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है, आचार्य सहायकों की नियुक्ति करने जा रहा है और ये पूर्व शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो के सपने को मूर्त रूप देने के जैसा ही है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में इसकी घोषणा की थी, क्योंकि वो मानते थे कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के, हेडमास्टर्स की और दूसरे कर्मचारियों को भारी कमी है, लिहाजा कहीं ना कहीं इन खाली पदों को भर कर ही हम प्राथमिक शिक्षक हो या माध्यमिक शिक्षक हो उसको हम बेहतर बना सकते हैं। लिहाजा अब सरकार उसी दिशा में बढ़ी है, लेकिन उससे पहले पहले जो स्टेट लेवल के स्तर पर, यानी राज्य स्तरीय जो मेरिट लिस्ट बनाने की जो डिमांड होती रही है उस पर कहीं ना कहीं सरकार अब अंतिम रूप में पहुंची है और अब कहीं ना कहीं चूंकि नियमावली में अगर संशोधन है हुआ है तो अब नियुक्ति प्रक्रिया में देरी नहीं होगी और जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सरकार भी ये बताने की कोशिश कर रही है कि 2024 में झारखंड में संसदीय चुनाव भी होना है और विधानसभा का चुनाव भी होना है, लिहाजा इन दो चुनाव से पहले सरकार इतनी नियुक्ति कर लेना चाहती है ताकि वो जब पब्लिक डोमेन में, यानी चुनाव के बीच में, जनता के बीच में जाए तो वो ये बताने की स्थिति में रहे कि इतनी बड़ी संख्या में उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है, इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया है, लिहाजा उसी कड़ी में सारी कवायद की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।